ये जो वीडियो है ये बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि देखिए जब भी हम लोग साड़ी के साथ जो ब्लाउज पीस आता है उसमें से जब आस्तीन काटते हैं तो आस्तीन का फैब्रिक थोड़ा चौड़ाई में छोटा होता है। इस साइड पे देखिए चौड़ाई में हमेशा छोटा होता है जब भी ब्लाउज के साइज थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उस टाइम पे किस तरह से काटना है और ज्वाइन करना है अलग फैब्रिक से वही मैं दिखाऊंगी। तो इसके लिए देखिए मैंने अलग से फैब्रिक काट किया, ये आपको सीधी काट करना है, कोई भी उरेब काटने का जरूरी नहीं होता है। बराबर काट के यहाँ पे साइड पे दोनों तरफ से आपको सिल लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैं इस तरफ से रखूँगी, फिर यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे बराबर मिला के सीधा करके हमें सिल लेना है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हो मैंने सिलाई लगा लिया है दोनों साइड पे। सेम तरीके से आपको दोनों आस्तीन पे सिल लेना है। और यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हो मैंने एक्स्ट्रा लिया है। देखिए यहाँ पे जो लेस है, लेस के लिए यहाँ पे सिलाई नहीं होगा इसलिए इस तरह से साइड पे फोल्ड करके सिलाई देना है। इसलिए हमें थोड़ा सा फेब्रिक यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए। तो दोनों साइड पर सेम तरीके से लेना है। अभी देखिए जो एक्स्ट्रा फेब्रिक है इसको थोड़ा काट कर लेना है। यहाँ पर काट हो गया है, मैंने लगभग हाफ इंच फैब्रिक अलग से यहाँ पे नीचे की तरफ रख दिया। अभी इसको भी देखिए तिरछा करके हमें इस तरह से निशाना देना है, फिर इसको काट कर लेना है। इस पर उतना मेजरमेंट की कोई ज़रूरी नहीं होता है। अभी देखिए दोनों आस्तीन सेम तरीके से हमें बराबर मिला के काट कर लेना है। और यहाँ पे देखिए और एक बात, आप चाहो तो जितना आस्तीन का चौड़ाई उसी हिसाब से मेजरमेंट लेके भी ले सकते हो। ये ज़्यादा होने से कोई भी दिक्कत नहीं होता है। सिलाई करने के बाद जब फिटिंग्स होगा उस टाइम पे जो एक्स्ट्रा रहेगा वो अंदर की तरफ से काट कर देना है। इसलिए मैंने कोई भी मेजरमेंट यहाँ पर नहीं लिया, चौड़ाई में मैंने ज़्यादा लिया। फिर देखिए इसको बराबर मिलाना है, चेक करके देखना है दोनों आस्तीन बराबर हुआ या नहीं। अगर बराबर नहीं होता तो काट के थोड़ा बराबर कर लेना है। यहाँ पर हल्का सा फैब्रिक ज़्यादा है इसको काट के बराबर मिलाना है। अभी हमें स्लीव के हिसाब से आस्तर काट कर लेना है। यहाँ पे मैंने जो आस्तर लिया इसको मैंने पहले बैक पार्ट काट कर लिया। तो बैक पार्ट काटने के बाद दोनों साइड पे जो फैब्रिक रह गए उसी फैब्रिक से मैं आस्तीन काटूंगी। तो इस तरह से काटने से क्या, मैं अलग अलग काटूंगी, एक साइड से एक आस्तीन, दूसरी साइड से और दूसरा आस्तीन काटूंगी। इस तरह से काटने से आपको क्या होता है, बहुत कम आस्तर से आप बिग साइज का ब्लाउज काट सकते। तब इसको बराबर यहाँ पर मिला के लेना है। फिर नीचे की तरफ भी देखिए हमें लगभग हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि नीचे की तरफ फोल्ड होगा। जो ब्लाउज का फैब्रिक है इसमें लेस है इसलिए आपको नीचे की तरफ हाफ इंच ज़्यादा लेना है। अभी दूसरी साइड से सेम तरीके से काट कर लेना है। कटिंग हो गया है, अभी हमें सील लेना है। तो सिलाई के लिए देखिए पहले नीचे की तरफ हमें लगभग हाफ इंच के आसपास यहाँ पे फोल्ड करना, जितना एक्स्ट्रा लिया उसी हिसाब से यहाँ पे फोल्ड करना है। तो फोल्ड क्यों करना है, देखिए नीचे की तरफ यहाँ पे एक्स्ट्रा लेस है तो लेस के कारण हमें यहाँ पे फोल्ड करना है। सीधा आप सिलाई नहीं कर सकते, इस तरह से सिलाई आप नहीं कर सकते हो। तो देखिए जो एक्स्ट्रा फेब्रिक मैंने यहाँ पे लिया इसको इस तरह से फोल्ड करके अंदर की तरफ देना है, फिर यहाँ पे बराबर मिला के आपको सीधा करके नीचे से सिलाई देना है। तभी देखिए मैं किस तरह से सिलती हूँ, यहाँ पे बराबर मैं मिला लूंगी। यहाँ पे देखिए मैं धागा चेंज करना है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कलर है इसलिए थोड़ा सा चेंज कर लेना है। सिलाई करते वक्त ये जो अस्तर है अंदर की तरफ जरूर आपको फोल्ड करके देना है। यहाँ पे देखिए सेम धागा से मैं सिलाई लगा लूँगी क्योंकि ये अंदर की तरफ रहेगा फिटिंग मुहूर्त सिलने के बाद, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा घुमा के मैं सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे जो अस्तर है मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया था इसलिए जो अस्तर है अंदर की तरफ दबा के मैं सिल लूँगी। तभी पहनने के बाद या धुलाई करने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं होता है, इसलिए हमेशा आपको अस्तर थोड़ा ज़्यादा लेना है।
अब यहाँ पे और एक सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि नीचे की तरफ लेस है तो अंदर की तरफ से तुरपाई करने का जरूरी नहीं होगा। जितना भी एक्स्ट्रा है इसको काट कर लेना है। सिलाई हो गया है, अब इसको बराबर मिला के थोड़ा चेक करके देखना है दोनों साइड पे सेम है या नहीं। यहाँ पे नीचे की तरफ से हल्का सा फैब्रिक ज़्यादा है, इसको काट के बराबर मिलाना है, थोड़ा सा यहाँ पे काट कर लेना है। पूरा तैयार हो गया। यहाँ पे देखिए ये फ्रंट साइड का है और ये बैक साइड का है। अभी मिडल में से हमें हल्का सा काट लगा के रखना है, उसके बाद नॉर्मल कोई भी आस्तीन जिस तरीके से सिलाई होता है सेम तरीके से आपको सिल लेना है। तो मुझे उम्मीद है जो लोग बिगिनर हैं उन लोगों को समझ में आ गया होगा, जब आपका आस्तीन का फैब्रिक छोटा होता है तब उस टाइम पे आपको किस तरह से ये काटना है और सिलाई करना है। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, हो सके तो दूसरे के साथ थोड़ा शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।